गाइस कैसे हो सब, वेलकम बैक टू मेरे गेम प्ले वीडियो। तो आज हम न्यू गेम प्ले नहीं हुआ, हम लोग देने जा रहे हैं फिर से नॉट योर टाइप। गाइस नॉट योर टाइप की पता नहीं कौन सी वीडियो, आप खुद ही पढ़ लें, पढ़ लो साइड पे लिखा, आप पढ़ लिया, अब शुरू करते हैं। आपको आपके बच्चे पर ध्यान देना होगा, आप इसके पापा है ना। वेट, आप यहाँ पर फोन किससे पूछ के चला रहे हैं? केविन, तुम यहाँ पर फोन चलाने आए हो? नहीं स्वीट हार्ट, मैं तो बस इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल चेंज कर रहा था। ओ, मतलब तुम हमारी इंस्टाग्राम पर मैचिंग प्रोफाइल पिक्चर्स हटा रहे हो? वो नहीं स्वीट हार्ट, एक्चुअली वो ऑफिस में मेरी एक दोस्त है सितारा, तो उसके साथ थोड़ा मैचिंग। ये सितारा कौन है केविन? हेलो, आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या? इधर आपका बच्चा पियून के बच्चे से भी कम नंबर लाया है, और पियून का बच्चा तो हमारी क्लास में भी नहीं पढ़ता। तो पियून का बच्चा ऐसा क्या करता है? वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन जहाँ पर भी पोचा लगा हुआ रहता है वो वहाँ की जमीन चाट लेता है जाके। देखो वो आया। वो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस घर की जमीन चाटोगे? मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। वो दिमाग की प्रॉब्लम, जब भी इसके नंबर नहीं आते हैं। इसकी ट्यूशन लगवा देते हैं फिर। हाँ, जैन मैम क्या डन करते हैं? नहीं नहीं, चंद्रेश जी क्या भेजते हैं? अरे आप लोग का दिमाग खराब है क्या? मैंने बोला इसको दिमाग की प्रॉब्लम है, आप लोग कोचिंग की बातें कर रहे हो। वैसे चंद्रेश जी क्या भेज सकते हो कोचिंग? पढ़ाते बड़ा मस्त है। अगर वहाँ पे आपका बच्चा कोचिंग जाएगा तो मैं तो उसको पूरे फुल नंबर दूंगी, मेरी तरफ से थूक लगा के फुल गारंटी। तो मैंने फोर्थ क्लास से कोचिंग जाना स्टार्ट किया था मेरी मम्मी की वजह से, लेकिन इस चीज के पीछे दो अलग रीजन भी है। पहला रीजन ये कि मैं पढ़ाई में पूरा ढप्पल हूँ, और दूसरा रीजन ये है कि जनक और विवेक भी कोचिंग जा रहे थे, तो मुझे लगा मजा आता होगा वहाँ पर, ऐसे चिल विल होता होगा, तो मैं भी अगले दिन उन दोनों के साथ कोचिंग चला गया। अब कोचिंग के रास्ते में हम लोग कुछ चॉकलेट्स लेने रुक गए थे। मैं हमेशा च्युइंगम ही लेता था, लेकिन उन दोनों ने एक अजीब सी आम की गोली नाम की एक चॉकलेट ली थी। भाई वो चॉकलेट के रैपर पे कुछ भी नहीं लिखा है, कंपनी का नाम तक नहीं है, और तो और आम की स्पेलिंग भी गलत है। ओए ये कौन सी चॉकलेट है? ये चॉकलेट नहीं है, ये तो है आम की गोली। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वीडियो टाइप मुझे नहीं पता था यार, कोके नाम की गोली के नाम से भी बिकती है। या प्लीज देखो, तुम इस नशे के बारे में जानता है क्या? तो मैं कहाँ पे था? कोचिंग। हाँ, तो जैसे मैं पहले दिन कोचिंग पहुंचा यार, वहाँ जाते से मेरी फट गई, क्योंकि वो कोचिंग एक तो इतनी छोटी सी थी और उसमें इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे। दो बच्चे तो बाहर रोड पे बैठ के चिल कर रहे थे। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारी कोचिंग के नहीं थे, इनफैक्ट वो तो कोचिंग ही नहीं जाते थे। हे साले अनपढ़, इसको अपना क्रिकेट नहीं खिलाएंगे अपन साथ में। हाँ भाई, हम तो मेरी कोचिंग 4 से 5 बजे तक लगती थी, बट कोई बच्चा अगर 5 बजे तक अपना काम नहीं कंप्लीट करता था तो उसका टाइम एक्सटेंड हो जाता था। मतलब कि अगर तुम्हें कोई आंसर्स याद नहीं हो रहे तो तुम्हें वहाँ पे रात भर बैठना पड़ेगा। अब मुझे पता है तुम्हारे हरामी दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि भाई मैं होता तो वहाँ से भाग जाता। तो नहीं मेरे भाई, कोचिंग के गेट के पास एक बहुत मोटा सा डॉग बैठा रहता था, और फोर्थ क्लास में मेरे पैर कोई हुसैन बोल्ट बराबर तो है नहीं कि वहाँ से भाग जाता। भाई एक तो इतना मोटा सा था, मैं भागता तो वो भी मेरे पीछे भागता, डबल ट्रबल हो जाता। पर क्या, पहला दिन काफी नॉर्मल था मेरे लिए, कोचिंग का 5 बजे घर आ गया था। लेकिन 2 दिन के बाद जनक और विवेक ने कोचिंग छोड़ दी, मगर मेरी मम्मी ने मुझे कोचिंग नहीं छोड़ने दी, और फिर कोचिंग ने भी मुझे कभी 7 बजे के पहले घर नहीं छोड़ा। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। हेलो जी, वो बच्चा अभी तक घर नहीं आया है, 8 बज गए, अभी भी पढ़ रहा है क्या वो? हाँ वो अभी भी पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसका टिफिन भिजवा देती हूँ। 2 बजे तक स्कूल, 4 से 8 बजे तक की कोचिंग, और फिर सो जाओ, एक नंबर की झंड जिंदगी। वो 1 घंटा फ्री मिलता है। मैं तो फिर भी वहां से 8 बजे अपने घर आ जाता था, लेकिन एक दिन जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था, वहां से एक बच्चा सुबह के 6 बजे अपने घर जा रहा था। सच बता रहा हूँ, उस कोचिंग ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मगर फिर मेरे दिमाग में एक अल्टीमेट आइडिया आया। अबे यहाँ क्यों मूत रहा है? तू
नालायक था ये तो हमको पता था, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब चल तू घर, तेरे को बताती हूँ मैं। लेके जाओ इसको, पूरा कारपेट खराब कर दिया मेरा। अब कभी लेके मत आना इसको इधर। यस, मैंने सच्ची में सुसु कर दी थी कोचिंग में। और सच बताओ तो मुझे प्राउड है इस चीज पर, और मुझे लगा मेरी मम्मी को भी प्राउड होगा, क्योंकि पहली बार बिस्तर के अलावा कहीं और सुसु करी थी मैंने। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मम्मी ने मुझे इतने लाफे लगाए ना, मगर वो सब चीजें कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अब मैं जो कोचिंग जाने वाला था ना, ओ बॉय, कुछ खास था उस कोचिंग के बारे में। वो मैम सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी मेरे को, बस 200 रुपए में। एक बार और बोलू, रुको रुको, मात्र 200 रुपए में। खैर, हमारी कोचिंग में एक खास बात थी, उस कोचिंग में गांधी जयंती और मैम के बर्थडे के टाइम पे एक भयंकर सी पार्टी होती थी। अब मुझे नहीं पता गांधी जयंती और मैम के बर्थडे के बीच में क्या संबंध है, मगर फिर भी हमारी ये भयंकर सी पार्टी देर रात शाम को 5:30 बजे स्टार्ट होती थी। पीने के लिए हमारे पास काफी प्रीमियम ड्रिंक्स रहती थी, जैसे की रसना, और बस रसना। गॉड था यार रसना उस टाइम, हंस क्या रहे हो। वो कोचिंग का काफी बेस्ट होने का रीजन था उसका टाइम। मेरी कोचिंग 3 से 4 बजे तक लगती थी दोपहर में, जो कि मेरी मैम का सोने का टाइम रहता था, तो मैं 3 बजे कोचिंग जाता था और मैम मुझे क्वेश्चन देकर सो जाती थी टीवी खुला करके। सुनो मेरी बात सुनो, मैं 4th क्लास का बच्चा हूँ, मेरे सामने टीवी खुला करके मुझे बोलोगे कि पढ़ाई कर, पागल हो क्या? नहीं, पागल हो क्या? और तो और भाई, मैम के टीवी में इतने मजेदार चैनल आते थे ना भाई, मैंने घर पे आज तक वो चैनल्स कभी देखे तक नहीं थे। ओ वाओ, ये कौन सा चैनल है? ले जाइए फुल रूपा की मजेदार चड्डी, फुल इलास्टिक मजेदार चड्डी पहन के एकदम मजा आ जाएगा। बहन की बच्चे देख क्या रहा है, डायल कर 001 00, नहीं डायल किया तो तेरी भी बहन की। इसको बदलो, गलत चैनल। तो मैं कोई सा भी चैनल लगा के रैंडमली देखने लग जाता था, क्योंकि टीवी तो म्यूट रहती थी। अपने इस आनंद को एक लेवल और बढ़ाने के लिए मैं मैम के बच्चे कुछ स्नैक्स भी ले लेता था, जो मैम दोपहर में खाते खाते सो गई थी। तुम्हारा नहीं पता मगर मेरी तो फुल दोपहर बन जाती थी। फिर 4 बजे समथिंग मैम के उठने का टाइम होता था। अब उस टाइम जो क्वेश्चंस मुझे मैम ने नींद में दिए थे, वो 10 मिनट में करने की तो मेरी औकात थी नहीं, इसलिए मैं बुक खोल के रैंडमली कोई भी 3 क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करके मैम को दिखा देता था। इजी शिट। और वो मैम मान भी जाती थी। भाई इनको ये भी नहीं मालूम ये फीस किसकी ले रही है। कोचिंग के टाइम अगर मैं इनके साथ 3 से 4 सो भी जाऊँ ना, भाई इनको नहीं फर्क पड़ रहा, 4 बजे मुझे चाय और पार्ले जी बिस्किट खिला के घर भी भेज देगी। पर खैर, वो चीजें मेरी एग्जाम्स में दिखती थी, फिर ये सब होता था और फिर से मुझे कोचिंग जाना पड़ता था। मतलब मैं एग्जाम्स में फेल होता हूँ, फिर कोचिंग जाता हूँ, फिर एग्जाम्स में फेल होता हूँ। ओ फक, मतलब मैं एक इनफिनिट टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ, और इसलिए शायद मैं आज तक 4th क्लास में ही हूँ। यो, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार देना, और कमेंट करके बताओ अगर तुमने भी अपनी कोचिंग में कुछ ऐसी हरकतें की हो तो। ऐसे मैं कोचिंग नहीं जाता, आप बताओ। बस लिटरी में अभी आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से 7 मिनट की हो गई है वीडियो, 7 ही मिनट की वीडियो है, और आज की वीडियो एंड गुड बाय। मुझे तो नहीं लगता